सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही यूट्यूब के HD थंबनेल बना सकते हो, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, ऐसे तो आपको पता ही होगा कि HD थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि थंबनेल मेकर हो गया, पिक्स आर्ट हो गया, काइन मास्टर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे भी आपका थंबनेल बनता है, बट अब जो इस एप्लीकेशन में मैं बताने वाला हूँ, आप इससे कम से कम समय में यूट्यूब का HD थंबनेल बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, HD थंबनेल बनाने के लिए आपको जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ वो आपका पिक्सलैब एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन पे ये पहले से ही है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, मैं यहाँ इसको ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका पता यहाँ पे बैकग्राउंड पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपल से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जो इमेज साइज है इसको साइज में क्लिक करना। उसके बाद आपका यहाँ जो कस्टम किया हुआ है उसके बाद इसको आपको यूट्यूब थंबनेल पे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आपको इसको ओके कर देना। देख सकते हैं जो इमेज हमारा वो बिल्कुल यूट्यूब के थंबनेल का आकार का आ चुका है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो भी आपका वीडियो है, जिस कैटेगरी पे आपका वीडियो है उसके वीडियो पे आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, जैसे मेरा वीडियो है यूट्यूब थंबनेल, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक लिख देता हूँ। ठीक है, हाउ टू मेक थंबनेल। ठीक है, मैं यहाँ पे हाउ टू मेक थंबनेल लिख दिया, देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका वो आ चुका है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे करना कितना ही, अभी आपको यहाँ पे ए बार जो यहाँ पे ए दिख रहा है इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ स्टाइल इस पर क्लिक करना, ब्राउजर पे क्लिक करना, और लास्ट वाला भी आपका यहाँ पे आ रहा सिंपल, इस पर क्लिक करना। आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल आपका जो व्हाइट कलर का हो चुका है। ठीक है, और आपका इसी का आकार पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका इसका साइज रहा, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे साइज, आप साइज भी यहाँ पे अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जो साइज है इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना और नेक्स्ट पे टेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉइड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करने के बाद ब्राउजर पे क्लिक करना, सिंपल पे क्लिक करना। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी इसका साइज, जैसे आपने मैंने पहले बताया आपको जो भी इसका साइज है उस साइज पे इसको आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसको अपना साइज पे कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको साइज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, साइज पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका जो पे यहाँ पे जो कलर है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका कलर चेंज कर लेता हूँ अपना इसका जो भी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका इसमें कलर देना चाहता है, ठीक है, आप इसमें कलर अपना दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो भी कलर देने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्पल कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको जो यहाँ नीचे दिखा हुआ है आपको जो यहाँ पे जो माइनस प्लस है इसको आपको बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा सकते हैं इसके यहाँ पे। इसके बाद ऊपर वाला है इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले पे मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे मैं ग्रीन करने वाला हूँ या फिर ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से आपका जो थंबनेल वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस इतना करना ही है, आप जिसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो 3D में। ठीक है, यहाँ से आप 3D में भी दे सकते, 3D रिस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3D रिस्ट्रक्शन में भी आपको मिल जाता है, और मैं 3D भी कर सकते हैं अपने जो थंबनेल को, उसको जो टेक्स्ट से उसको थंबनेल में 3D कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर कोई यहाँ पे इमेज आपको सेलेक्ट करना, तो आपको यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, इस पर बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टिकर वगैरह बहुत कुछ आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका है स्टिकर वगैरह आप यहाँ से इसको डाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ से डाल सकते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको इंटर कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको इसका साइज़ जो है मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं इसको करना इतना ही है। उसके बाद आपको इस फ्रंट पे क्लिक करना, फ्रंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट आपका जो है इसके ऊपर लाना है। ठीक है, तो फ्रंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट, ये फ्रंट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट का आगे का। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है टू फ्रंट टू बैक, तो टू फ्रंट पे क्लिक करना, उसके बाद आपको उसके यहाँ पे ले जाना। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे ले जाना, यहाँ पे ले जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली आपका जो है ले चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे करना है, अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई अभी इमेज डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैं इमेज डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस इमेज को डाल सकते हैं आप, इमेज जो आपका यहाँ पे PNG इमेज आपको बहुत सारे गूगल क्रोम पे आप सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका इमेज आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट करना इतना ही है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना फोटो भी या कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो और भी टेक्स्ट अगर आपको लिखना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और भी टेक्स्ट मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ एक। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया फॉर यूट्यूब। ठीक है, इसके बाद क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद आपका जो एक मिनट यार क्या क्लिक हो गया,
इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर से आपको स्टाइल पे जो भी आपका स्टाइल है उसको क्लिक कर लेना। साइज़ जैसे मैंने भले बताया कि साइज़ आपको जो भी अच्छा लगे वो आपका अपने हिसाब से साइज़ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कलर चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रेड हो रहा है, ठीक है, तो इसको रेड कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक पर अगर आप रखें कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर ग्रीन दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बढ़ा देना है, कैपेसिटी जो इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुली ये मेरा हो चुका है थंबनेल, अभी जो मैं हमारा थंबनेल है पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। सभी आप इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, 3D इफेक्ट का मिलता है और भी बहुत सारा ब्राइटनेस कॉन्टेस्ट, ठीक है, इससे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बाद साथ आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपको बस करना इतनी है, यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे रंग मिल जाता है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है हमारा चेंज होती जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए बैकग्राउंड उसके हिसाब से अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप कोई फोटो भी उस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका थंबनेल वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे करना कितना है, यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करना, सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करना, सेव एज इमेज पे क्लिक करना, उसके बाद आपका यहाँ साइज सक्सेसफुली है, आपका ऑलरेडी साइज आ गया है। फिर सेव टू गैलरी पे क्लिक करना, सेव टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका ये जो है सेव हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी मैं आपको गैलरी पे ले जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि थंबनेल हमारा यहाँ पे जो रेडी हो चुका है, ठीक है ना। सो आई थिंक गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।